नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं कि रात्रि के लगभग 10 बज रहे हैं और डीआरएम सर जो हैं रेलवे जो ट्रैक को निरीक्षण कर रहे हैं, जगह जगह पर जाकर विजिट कर रहे हैं। सर, निरीक्षण करने के लिए आए हैं सर, मकसद क्या है सर आपका? मकसद यही है कि हमारे यात्रियों को ठीक सी सुविधाएँ मिल सके, और इस वक्त भी निरीक्षण इसलिए किया जा रहा है, मेरे साथ पूरी टीम है हमारी जो हर चीज़ को देख रही है ताकि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अभी क्योंकि छठ का महापर्व आ रहा है तो इस विषय में भी खूब तैयारियां की गई हैं, जैसे कि AI हेल्प क्यूब बूथ खोले गए हैं, ज़्यादा RPF को डिप्लॉय किया गया है और यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। सर, इलेक्ट्रिक सीढ़ी है जो यहाँ पर काफ़ी 3 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है, इसका सर कब काम किया जाएगा? उसका काम अब शुरू हो गया है, आप शीघ्र ही देखेंगे, आपके कुछ ही समय में चालू हो जाएगी। सर, रेलवे सासाराम जंक्शन को सौंदर्यीकरण करने के लिए कब तक सर काम किया जाएगा? देखिए, काम जारी है, आपने देख लिया होगा बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स के साथ गिरा दिए गए हैं और नए काम चालू है। सर्कुलेटिंग एरिया का भी विकास भी किया जाएगा, तो हमें उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सर, 1 माह पहले पूर्व यहाँ पर आप आए थे और विजिट कर रहे थे और इस समय रात्रि में जिस तरह से छठ आस्था का पर्व माना जाता है और आज पहला दिन है छठ का और रात्रि में लगभग 10 बज रहे हैं, विजिट कर रहे हैं सर, एक एक तह को जाकर निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ कमी निकल कर आया? नहीं, ऐसी विशेष कमी नहीं है, छोटी मोटी बातें जो रहती हैं वो उस पर लोग काम कर रहे हैं। सर, प्लेटफॉर्म पे लाइट की सर जो व्यवस्था देखा जाए तो काफ़ी कम दिख रहा है, जैसे कि आपने भी देखा होगा, आपने भी उस चीज़ों को अमल किया है, इस पर सर क्या राय है आपका? जहाँ छोटी मोटी कमी है उसको दूर किया जाएगा और एक आध दिन में ही कर दिया जाएगा। सर, एक ब्रिज है, तकिया ब्रिज, उसके बगल साइड में फुट ब्रिज है और दूसरे साइड में सर नहीं है, इससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोग ट्रैक को पार करने में 5 लाइन का ट्रैक जब क्रॉस करते हैं उसके दरमियान उसके चपेट में आ जाते हैं, जिससे लोगों की मौत भी हो जाती है सर, और सबसे बड़ी समस्या सासाराम का वही चीज़ बना हुआ है। हम उसका देख लेते हैं, उसका जो भी संभव सलूशन होगा वो कर दिया जाए। और सर, सासाराम आरा जो दोहरीकरण के बारे में सर कुछ कहिएगा? अभी उसके बारे में कुछ मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। सर, आपने प्लेटफॉर्म पर तो देखा होगा पीने के लिए लोगों को पानी तो उपलब्ध है, मगर जैसे ही बाहर निकलते हैं कोई पानी पीने के लिए व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, कोई चापाकल नहीं है, कोई नलका नहीं है वहाँ पर। आपका ये सुझाव मैंने नोट कर लिया है, उस पर भी विचार कर लिया। जैसे कि अभी आपने सुना, जो DRM सर है, देख सकते हैं लगभग 10 बजे रात्रि को यहाँ पर आए हुए हैं और अपने टीम के साथ विजिट कर रहे हैं और जब से यहाँ पर सासाराम जंक्शन पर पहुँचे हुए हैं तब से अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है और मैं बता दूं कि सासाराम में कल GM का आगमन होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर ये विजिट कर रहे हैं और अपने पूरे टीम, देख सकते हैं कि RPF की पूरी टीम है यहाँ पर और GRP की टीम है और पूरे टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक एक तह को जाकर उनके द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है और जाँच किया जा रहा है। मैं बता दूँ कि लाइट की समस्या प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा देखा गया DRM के द्वारा और DRM ने एक्शन में आते हुए अधिकारियों को कई दिशा और निर्देश भी दिए, यहाँ तक कि खरी खोटी भी सुनाए। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।